गुड मॉर्निंग, आप जो रहे गुजराती नंबर वन न्यूज चैनल जी 24 कलाक हूँ आपनी साथे ख्याति जो इशू फटाफट खबरो। गांधीनगर में आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में मळशे कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी ना जन्मदिवस मुद्दे जुदी जुदी योजनाओं पर चर्चा थशे। बैठक में पाक नुकसानी संदर्भे पण चर्चा कराशे। जीपीएससी अकाउंट ऑफिसर क्लास 2 नी प्रिलिमिनरी परिणाम जाहिर कर्यु छे। मेन्स परीक्षा 13, 14 अने 21 मार्चे 2021 ना रोज योजाशे। 1,120 उम्मीदवारो थया छे क्वालिफाय। गुजरात में इंजीनियरिंग में जुदा जुदा कोर्स में प्रवेश मामले 18 सितंबर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जाहिर कराशे। एसीपीसी जाहिर करशे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। 5 ऑक्टोबर थी एकेडेमिक टर्म नी थशे शुरुआत। 30,000 विद्यार्थियों प्रवेश माटे भर्या छे फॉर्म। डिग्री और डिप्लोमा फार्मसी ने 21 सप्टेम्बरे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जाहिर कराशे। एसीपीसीए बपोरे 2 कलाके जाहिर करशे लिस्ट। 21-27 सप्टेम्बर दरमियान विद्यार्थी चॉइस फिलिंग करी शकशे। अमदावाद में आरटीआई अंतर्गत प्रथम राउंड में 8,000 से वधु विद्यार्थियों पसंद कराया। ऑनलाइन अपलोड करायेला डॉक्यूमेंट्स नु वेरिफिकेशन करी शाळाए आपवानो रहेशे प्रवेश। अमदावाद में रिवरफ्रंट पर सी प्लेन की शुरुआत पहला जेटी नु काम युद्ध धोरणे करायु। 1,500 किलो ना एंकर ने मजबूत लोखंड की साकड़ साथ बांधी साबरमती नदी में नाखवामां आव्या। जेटी ना माध्यम थी आराम थी सी प्लेन की सवारी करी शकाशे। सूरता लिंबायत धारासभ्य संगीता पाटिल सहित 17 लोगों विरुद्ध फौजदारी गुनो दाखिल करवा मांग। स्मशान गृह बनावा 6.41 करोड़ रूपया ग्रांट मंजूर कराई। पोल पालिकाए 4.4 करोड़ चुकवी दीदा होवा छता फक्त ग्राउंड लेवल अने फुटिंग फिटिंग नुं ज काम थयुं छे। ज्यां स्मशान गृह माटे वधु ग्रांट मांगवामां आवी। वडोदरामां पालिकानी चूंटणी पहला नवा सीमांकन मामले कोंग्रेसनो विरोध। नवा सीमांकनना तमाम वोर्डना विस्तार बदलाया। कोंग्रेसना जीतता उम्मीदवारोना वोर्डमां फेरफार। अमदावाद शहेरमां फरी वध्युं कोरोनानुं संक्रमण। हालनी स्थिति जोता एमसी तंत्र फरी चिंतामां। खानगी होस्पिटलनी संख्या ओछी करवानो विचार पड़तो मूक्यो। एमओयू करेली खानगी होस्पिटल घटाडवानी हती विचारणा। नवेम्बर मास में राजकोट थी 2 टूरिज्म ट्रेन शुरू थशे। प्रथम ट्रेन नो प्रवास 9 नवम्बर थी 20 नवम्बर नो रहेशे। बीजी ट्रेन नो प्रवास 23 नवम्बर थी 4 डिसेम्बर नो रहेशे। ट्रेन में मुसाफरो ने कराशे हेल्थ चेकअप। राजकोट में राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज की तबियत अति गंभीर। सूरत थी 4 डॉक्टर की टीम राजकोट पहुंची। सूरत थी आता तमाम डॉक्टर चेस्ट फिजिशियन आ पहला अमदावाद थी निष्णात तबीबों ने राजकोट मोकलवामां आव्या हता। राजकोट जिला बैंक ना 14 कर्मचारियों ने थयो कोरोना। तमाम 14 कर्मचारियों होम आइसोलेट कराया। कैबिनेट मंत्री जिला बैंक ना चेयरमैन जयेश रादड़िया बाद तमाम ने कराया टेस्ट। गुजरात भाजप प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल थयो कोरोना मुक्त। ज्यां सीआर पाटिल ने आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आयो। सीआर पाटिल ट्वीट करी आपी जानकारी। सीआर पाटिल ने होस्पिटल माथी अपाशे रजा। राजकोटना उपलेटा में स्वैच्छिक लॉकडाउन मामले मीटिंग मिली। चेम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग नो थयो फियास्को। तमाम एसोसिएशन मंडळोए पोताना मंतव्यो अने दलीलो रजू करी। तमाम लोकोना मंतव्यो अलग होवाथी मीटिंग नो कोई निष्कर्ष नहीं। राजकोट में स्टेशनरी की दुकानधारकों नो महत्वनो निर्णय। सवारना 8 થી 5 વાગ્યા सुधी स्टेशनरी दुकान खुली रहेशे। सांजना 5 વાગ્યા बाद आंशिक लॉकडाउन कर्यो छे निर्णय। कुल 450 स्टेशनरी वेपारी पैकी मोटा भागना निर्णय साथे सहमत। भारत नेपाळ प्रति फरी एक बार दरियादिली देखाड़ी छे। कोरोना वायरस से झजूमी रहेला नेपाळना भारते 2000 थी पण वधु रेमडेसिविर दवा आपी छे। अने आ पहला 9 ऑगस्ट ना भारतीय दूतावासे नेपाळ सरकार ने आईसीयू वेंटिलेटर आप्या हता। देश में कोरोना ना केस 50 लाख ने पार। कोरोना ने कारणे कुल 82,000 थी वधु लोगों ना मृत्यु थया। देश में 39,39,000 थी वधु दर्दियों कोरोना ने मात आपी। विश्वमां 2,97,00,000 थी पण वधु कोरोनाना केस नोंधाया छे। कोरोना ने कारण 9,39,000 थी वधु लोकोना थया मृत्यु। दुनिया में 2,15,00,000 थी वधु दर्दीए कोरोना ने आपी मात। जामनगर जिला में धोधमार वरसाद पड़ो। सपड़ा गामे वीजळी कड़ाका साथे अद्भुत नजारो जोवा मळ्यो। वीजळी चमकारो कैमरा में थयो कैद।
અમરેલીના નાના ભંડારિયા ગામે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. ખેતરોમાં વરસાદના પાણી ભરાયા. ગામના માર્ગો પર જાણે નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. સ્થાનિક નદીમાં પૂર આવ્યું. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 31 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો. સૌથી વધુ સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં 2.5 ઇંચ વરસાદ. અમરેલીના ધારીમાં 1.25 ઇંચ જેટલો વરસાદ. ભારતીય હવામાન વિભાગ આગામી 2 દિવસ દરમિયાન ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગ મુજબ આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, કર્ણાટક અને કેરળના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. બંગાળની ખાડીમાં પ્રેશર બનતા વરસાદની સંભાવના છે. પાટણ સરસ્વતી બેરેજમાં નર્મદાના નીર ઠલવાયા. વર્ષોથી સુખીબટ નદીમાં સુજલામ સુફલામ નહેર થકી પાણી છોડાયું. રોજના 200 ક્યુસેક પાણીની આવક. આસપાસના 23 ગામોને પાણીનો સીધો લાભ. સાબરકાંઠામાં હરણાવ જળાશયમાં 50 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ છે. ખેડવા જળાશયમાં 125 ક્યુસેક પાણીની આવક. હાથમતી જળાશયમાં 220 ક્યુસેક પાણીની આવક. જવાનપુરા જળાશયમાં 730 ક્યુસેક પાણીની આવક. ગોરઠિયા જળાશયમાં 1500 ક્યુસેક પાણીની આવક. અમદાવાદના પ્રહલાદનગરમાં મેઇન રોડ પર ભૂવો પડ્યો. વસ્ત્રાપુર ક્રોસિંગના 4 રસ્તા પર અંદાજે 15 ફૂટ ઊંડો ભૂવો પડ્યો. ડ્રેનેજ લાઇન પર ભૂવો પડતા એએમસીએ બેરિકેડિંગ કર્યું. રાજકોટમાં ધોરાજી તાલુકાના છત્રાસા ગામમાં ભારે વરસાદને કારણે પુલ ધોવાઈ ગયો. 10 ગામને જોડતા પુલ તૂટ્યો. જુનાગઢના 10 ગામો સાથે વાહન વ્યવહાર બંધ થયો. પુલનું તાત્કાલિક સમારકામ કરવાની ગ્રામજનોની માંગ. વડોદરાના ચકલી સર્કલ પાસે ભૂવો પડતા બસ ભૂવામાં ફસાતા તંત્રની ખુલ્લી પોલ. પશ્ચિમ વિસ્તારમાં 1 જ માસમાં 15 જેટલા ભૂવા પડ્યા. સુરતમાં હાઇવે ઓથોરિટી નેશનલ હાઇવે ને ખાડા પૂર્યા. વરસાદ બાદ આઈઆરબી તંત્ર ખાડા પૂરવા કામે લાગ્યું. ખાડા પૂરાતા વાહન ચાલકોને નહીં પડે હાલાકી. ગીર સોમનાથના કોડીનારના વિલણ માધવવાડને જોડતો કોઝવે તૂટ્યો. કોઝવે તૂટતા વાહન ચાલકોને હાલાકી. દરિયાઈ ખાડી પર બનાવાયો હતો કોઝવે.